बंदी खाने आए हैं हम। जमजम बंदी है रेस्टोरेंट का नाम। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड डे टू एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मे अल्लाह पाक सेव अस ऑल फ्रॉम बैड डीड्स एंड इविल आईज, आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल द कंप्लीट एंटरटेनमेंट। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आप लोगों के साथ हूँ एक प्यारा सा व्लॉग लेके। जो लोग मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं और शुरू से स्टार्टिंग से देख रहे हैं उन्हें ये पता होगा कि मेरे घर पे मेरे इन-लॉज आए हुए हैं और इनके साथ हमारी एवरीडे एक्टिविटीज़ चल ही रही हैं, कभी घर पर कभी आउटडोर। तो आज फिर हम बाहर निकले हैं और आपके साथ मैं दो एक्टिविटीज़ अपनी शेयर करूँगी। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मंदी खाने आए हैं हम। जमजम मंदी है रेस्टोरेंट का नाम। वैसे तो पहले भी 3-4 दफ़ा ट्राई कर चुके हैं बट ये है कि अभी फैमिली के साथ आए हैं तो आपको दिखाते हैं। ये डेरा सिटी सेंटर वाली ब्रांच है और डेरा सिटी सेंटर के ऑपोजिट, और फर्स्ट टाइम हम इसको ट्राई कर रहे हैं। तो इस ब्रांच का एक्सपीरियंस कैसा रहता है अभी आपको बताते हैं। नहीं हंडी समसम है मंदी। वो भी बात है। डेरा सिटी सेंटर के सामने जमजम मंदी की दो ब्रांचेस हैं, एक बिल्कुल सामने है और एक अंदर गली में करके है। तो हम अंदर गली वाली में आए हैं। मुझे पर्सनली इस रेस्टोरेंट की मंदी बहुत अच्छी लगती है। तो ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है मगर मैंने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स की मंदी ट्राई की है मगर मुझे सबसे ज़्यादा फ्लेवर जो है वो यहीं का अच्छा लगता है। तो बस मैंने सोचा कि एक लास्ट ग्रैंड डिनर जो है वो बाहर किया जाए अपने इन लॉज के साथ और इनको जाने से पहले जो है वो प्योर अरबिक फ्लेवर जो है वो टेस्ट करवाया जाए। यहाँ पर दो तरह की सीटिंग अरेंजमेंट्स थी, एक टेबल सेटिंग और दूसरी फ्लोर सेटिंग। तो टेबल सेटिंग तो आपको हर रेस्टोरेंट में मिल ही जाती है तो हमने कंफर्टेबल रहने के लिए जो है वो फ्लोर सेटिंग ऑप्ट की। और ये आप पूरा हो जाएगा। हाँ, ये अच्छा है तो। अच्छा है ना, इसमें हर चीज है। इसमें चिकन वगैरह भी है। चिकन भी है, फिश भी है, मटन भी है। तो यही करना है। हाँ ये कर लें। लगा ये कह रही है कि कह रहे हैं कि एक थाल का सब चीज है। सही एक ये है ऑप्शन। आप लोग वो नहीं सर्व करते जो कावा होता है वो शुरू में अलग सा, और स्वीट में क्या चीज़ आती है? वो लुकाइमा आता है। बस सही। अरे फैमिली जो है ना इस चीज लेगा तो खुनाफा भी आएगा। इसके साथ ही खुनाफा भी आएगा। चिकन है, ये बॉयल है क्या? नहीं नहीं ये ऑयल आई थी चीज़, पूरा चिकन। वो कह रहा है अगर ये वाली आप लेंगे ना, ये वाली तो आपकी 7 मेंबर्स है ना, तो इसमें 2 खुनाफे भी आएंगे और ये लुकी मस्त। नहीं खुनाफे तो है वाला से 2 तो नहीं, डील के अंदर ही आएंगे। अच्छा, और कोल्ड ड्रिंक भी आएगी। हाँ, सब कुछ। और चावल तो रीफिल कर सकते हैं ना। चलो फिर ठीक है। इसमें मटन का कौन सा पीस है?
मटन के रिब्स होगा, मटन मंदी भी होगा, होगा। चलो ठीक है, ये कर सब चीजें आ जाएंगी। तो यहाँ पर जी हमारा ऑर्डर आ गया है। तो पहले इन लोगों ने सैलेड और सूप सर्व किया और उसके बाद फिर फुल ऑर्डर सर्व हुआ। और ये देखें थाल में कितने प्यारे तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। वैसे तो चम्मच है, चम्मच इसके अंदर क्या क्या है? चिकन भी है, फिश, चिकन, फिश भी है इसके अंदर, चिकन की बोटियां, चिकन के जो है ये लेग पीसेस हैं, चिकन का ब्रेस्ट पीस है, बॉयल एग्स हैं, ये बोनलेस है, और ये मटन, मटन यहाँ पर भी है, और ये मटन का एक बड़ा पीस भी है, मटन मग भी है, मटन, एंड दिस इज गुड फॉर 7 पीपल। बीच में खाना है सब्जी, चलो मैं बीच में खाऊं। मुझे मुझे प्लेट बना दे पहले। तुम्हें क्या फिश की? हाँ फिश लेते हैं और थोड़ा ये बोनलेस लेना। थैंक यू। ये हरी चटनी भी होता थी, हरी चटनी चाहिए। ये देना जरा। और ये इसके अंदर एक सैलेड और भी बनी हुई है, ये वही सैलेड है जो आप लेके आए हैं यहाँ, ये डिफरेंट है। और ये सारी चीजें ये छोटा हुआ आ गया ना, हरी चटनी से मसला नहीं है, मुझे तो मेरे बड़ा मदी से। हाँ बड़े, ये क्या चीज है? ये सेम है, केजर का चार है, रेड स्पाइस चिल्ली। अच्छा अच्छा, ये ग्रीन वाला आ रही है वो लेकर। हाँ और ड्रिंक्स में क्या चाहिए? ब्लू चाहिए, पेप्सी चाहिए, पेप्सी ना, डाइट मिलेगी? डाइट भी नहीं होगा, बड़ा में फुल डेयर का इसके साथ में है। नहीं आप एक काम करें, ड्यू ले लो, दिन में ड्यू ड्यू पहले मुझे चटनी हो ना, ये चम्मच से खा, ठीक है वो नहीं मतलब। तो हम लोगों ने यहाँ पे यमी सा डिनर एंजॉय किया और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इस तरह सबके साथ बैठ के खाना खाने का। एक बहुत ही पीसफुल और प्यारे से माहौल में हमने बहुत सारी बातें की और खाना खाने के बाद ये देखिए अब सब आराम फरमा रहे हैं। यही फ़ायदा होता है जब आप नीचे की सेटिंग, फ्लोर सेटिंग लेते हैं तो आप ईज़िली अपने आप को खाना खाने के बाद कम्फर्टेबल कर सकते हैं, स्पेशली मंदी खाने के लिए जब आप आए हुए हों। खाने के बाद ये आया है कावा, ये है लुकीमत कहते हैं ना इसको, और ये है खुनाफा। तो यहाँ पे मिंट कावा और खुनाफा भी आ गया था, और खुनाफा जो है वो यहाँ की स्पेशियलिटी है, और खुनाफा के साथ साथ आया था लुकीमत जो कि एक अरबिक डिश है। तो ये जो है ये विंटर्स की स्पेशियलिटी है और ख़ास तौर से विंटर्स में खाई जाती है। तो जी डिनर हमारा हो चुका था और हम सबको बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से, हम सब ने एक साथ बैठ के बहुत मज़े से जो है ये मंदी इंजॉय की। और खाना तो हम लोग रेस्टोरेंट में नॉर्मली आप लोग जाके खा ही लेते हैं, बट इस तरह जब सारी फैमिली एक साथ हो तो फिर जो है वो हर चीज़ का मज़ा जो है वो दोबारा हो जाता है। तो खाने के बाद हम सब लोगों ने प्लान किया वॉक करने का, क्योंकि काफ़ी हैवी हो चुका था खाना, तो वॉक करनी तो बनती ही थी। और वॉक करने के लिए जो जगह हम लोगों ने चूज़ की इस टाइम पे, क्योंकि रात हो चुकी थी तो रात में दुबई के नज़ारे बहुत ही दिलचस्प होते हैं, तो इस टाइम पे हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम जाएंगे ब्लू वाटर्स। और यहाँ पर एन दुबई भी है, और एन दुबई जो है वो एक दुबई का आइकॉनिक लैंडमार्क है, तो जिसे मैं चाह रही थी कि मेरे इन लॉज जो हैं वो देखें और उसे देखे बगैर वो ना जाएं। तो बस हम एन दुबई चले गए, क्योंकि एन दुबई जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट व्हील है और इट इज़ 2 times बिगर देन द लंडन आई। जिन लोगों ने लंडन विज़िट किया है उन्होंने फॉर श्योर रिवर थेम्स पे जो है वो लंडन आई भी देखा होगा। तो एन दुबई जो है वो 2 times बड़ा है लंडन आई से, और रात को इस टाइम पे इस जगह की रौनक जो है वो अलग ही होती है, और इस जगह की खूबसूरती देखने के लिए लोग जो है वो स्पेशली ब्लू वाटर्स आते हैं, और सर्दियों में तो इस जगह का मज़ा ही अलग होता है। यहाँ मैं आपको एन दुबई के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। एन दुबई जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट और टॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन व्हील है। ये गेस्ट को 250 मीटर्स की हाइट तक ले जाता है, जबकि लंदन आए 135 मीटर्स की हाइट तक जाता है, और लास वेगस का ऑब्जर्वेशन व्हील 167 मीटर्स की हाइट तक जाता है।
इस ऑब्जर्वेशन व्हील के 48 कैबिन्स हैं और इसका एक कंप्लीट राउंड 38 मिनट्स का है और एक टाइम पे 1750 पैसेंजर्स एंड दुबई के 48 कैबिन्स के अंदर अकोमोडेट हो सकते हैं. बट अभी फिलहाल एंड दुबई इज नॉट इन अ फंक्शनल कंडीशन एज सम एनहांसमेंट वर्क इज गोइंग ऑन बट सून इट इज गोइंग टू बी ऑपरेशनल. एंड दुबई से मरीना वॉक, पाम जुमेरा, बुर्ज खलीफा और बुर्जुल अरब के व्यूज बहुत क्लियरली देखने को मिलते हैं. एंड दुबई ब्लू वाटर्स पे लोकेटेड है एंड ब्लू वाटर्स इज अ मैन मेड आइलैंड विच इज वेरी फेमस अमंग टूरिस्ट एंड रेजिडेंट्स. ये जगह टूरिज्म के लिए बहुत फेमस है और ये नवंबर 2018 में विजिटर्स के लिए फंक्शनल हो गई थी और यहाँ पे लोगों का आना जाना शुरू हो गया था. ओवरऑल ब्लू वाटर्स एक खूबसूरत जगह है. इट इज़ अ वाइब्रेंट लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिस्टिंक्टिव रेजिडेंशियल, रेंटल, डाइनिंग एंड एंटरटेनमेंट ऑप्शंस. वर्थ विजिटिंग एट डे एंड नाइट बोथ. ये यहाँ से समंदर का व्यू बहुत खूबसूरत लगता है, चाहे यंगस्टर्स हों या सीनियर सिटीजन्स, सभी यहाँ आके बहुत इन्जॉय करते हैं. मेरे इन लॉज की फ़्लाइट अब से 3 दिन के बाद थी तो टाइम हमारे पास बहुत शॉर्ट रह गया था और मैं नहीं चाहती थी कि इतनी खूबसूरत जगह मेरे इन लॉज बगैर देखे वापस चले जाएं और इस जगह की खूबसूरती को वो मिस कर दें. आज का सारा दिन हमारा बहुत ज़्यादा बिजी गुजरा था क्योंकि पैकिंग वगैरह हमारी साथ साथ चल ही रही थी, बल्कि आज सारा दिन हम चीज़ें ही सॉर्ट करते रहे और यहाँ आने से पहले हमने काफ़ी पैकिंग जो है वो कर ली थी. तो यहाँ देखिए हम आ गए हैं वॉकिंग ब्रिज के ऊपर और यहाँ से इस ब्लू वाटर्स आइलैंड का और एंड दुबई का नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है. यहाँ इतनी कोई ठंडी हवा चल रही थी कि यहाँ आकर हमें खड़े होके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था और लोग जो है वो अपनी फैमिलीज़ के साथ पिक्चर्स खिंचवा रहे थे. मेरी मदर इन लॉ जो है वो चल चल के थक गई थी तो उन्होंने कहा कि हमारे साथ ब्रिज पर नहीं आ सकती, तो यहाँ मैं और मेरे बच्चे और हम लोग जो हैं वो यहाँ ऊपर आ गए थे पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए. तो देखिए यहाँ पे बोट्स जो हैं वो खड़ी हुई हैं पानी के अंदर और लोगों की एक्टिविटीज़ और बोट के फंक्शंस और इवेंट्स वगैरह जो हैं वो चल रहे हैं. दुबई पूरा जो है वो जगमगा रहा था और एंड दुबई तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था. यहाँ की कलर्स, यहाँ की लाइट्स जो हैं वो बहुत ही अमेजिंग व्यू दे रही थी. अच्छा जी, बहुत अच्छा रहा हमारा आज का ट्रिप और इस वक्त रात के तकरीबन कोई 12:30 बज रहे हैं और हम मौजूद हैं इस वक्त ब्लू वाटर्स में और बहुत खूबसूरत ये ब्रिज बना हुआ है. आप एंड दुबई भी देख सकते हैं, बहुत ही क्लियर व्यू है एंड दुबई का और रात के टाइम यहाँ की वाइब्स, यहाँ की रौनक बिल्कुल ही डिफरेंट है. और बस डिनर किया हम लोगों ने, डिनर के बाद हम यहाँ पर वॉक करने के लिए आ गए. बहुत प्यारी हवा चल रही है, ठंडा मौसम है यहाँ का. तो दुबई जो है वो एक्चुअली विंटर्स में ही विज़िट करने की जगह है और इस वक्त तो बहुत ही कोई आउट क्लास खूबसूरती इसकी नज़र आ रही है. तो बस अब हम जा रहे हैं घर की तरफ. रात के 12 बज चुके हैं, बल्कि 12 से ऊपर ही कुछ टाइम हो चुका है. तो बस अब घर जाते हैं और व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ. आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा. सो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. See you soon in the next vlog. Take care. Allah Hafiz.